जिंदगी किस वक्त अपना रुख बदल लेगी ये कोई नहीं जानता। कब फूलों से भरी बगिया उजड़कर खाक हो जाएगी, कब मैदान बंजर रेगिस्तान हो जाएगा और कब खुशियों से भरी जिंदगी मायूस हो जाएगी ये कोई नहीं जानता। ये कहानी है कनिष्का की, जिसे अंदाजा भी नहीं था कि उसके जीवन का अगला पल उसके लिए क्या लाने वाला था। एक ऐसा अंधेरा जो हमेशा के लिए उसकी खुशियों को खा जाने वाला था। मम्मा, तुम कब से तैयार हो रही हो और कितनी देर? जल्दी चलो ना, हम लेट हो जाएंगी। अभी आई लाडो, बस दो मिनट, साड़ी तो पहनने दे। लगता है आप भूल गई है कि आज मेरी कॉन्वोकेशन सेरेमनी है और मैं फर्स्ट आई हूँ। आज के दिन मैं लेट नहीं हो सकती मम्मा। इसीलिए तो समय लग रहा है लाडो, जिसकी बेटी फर्स्ट आई है उसे तैयार भी तो फर्स्ट क्लास होना पड़ेगा ना। कनिष्का बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी, हमेशा फर्स्ट आना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना और अपने घर वालों का नाम रोशन करना, ये सब उसके लिए आम था। हड़बड़ाते हुए अपनी मम्मी और पापा के साथ कनिष्का अपने कॉन्वोकेशन में चली जाती है। I must say, Mr. and Mrs. Verma, you are very lucky, जो आपके घर इतनी होनहार बच्ची पैदा हुई, वरना इस उम्र में तो अक्सर लड़के और लड़कियां भटक जाते हैं, पर कनिष्का दिन रात अपनी पढ़ाई में लगी रही और आज उसने हमारे कॉलेज का नाम पूरे स्टेट में रोशन किया है। स्टेज पर जाकर कनिष्का अपनी डिग्री लेती है। उसके लिए आज का दिन बेहद खुशी का था और वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर लेना चाहती थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, तभी कनिष्का की फ्रेंड्स उसके पास आती है। कनिष्का, इस बार तो हमें पार्टी चाहिए, हर बार तू बचकर निकल जाती है। अरे कौन सी मेरी जॉब लग गई है, इतनी भी बड़ी बात नहीं हुई है, अब बस लंदन यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए तब पार्टी पक्की। तुम लोग कनिष्का की बातें तो रहने ही दो, मैं दूंगी पार्टी, आफ्टर ऑल कॉलेज की डिग्री मिल गई है मेरी बच्ची को, शी इज अ ग्रेजुएट नाउ, तो आज रात को मेरे घर पर पार्टी रहेगी, तुम सभी को आना है। रात को सभी पार्टी में आते हैं, सभी बच्चे नाच कूद रहे होते हैं, तभी कनिष्का खिड़की पर जाकर बाहर देखती है, जहां सामने के घर की छत पर बैठी एक औरत उसे लगातार घूरे जा रही थी। ये मिस्टर शाह के घर में ये औरत कौन है, वो तो अकेले रहते हैं। तभी वहां कनिष्का की फ्रेंड आ जाती है। तू यहाँ रात को बाहर तारे देख रही है क्या, चल ना, सब कितना एंजॉय कर रहे हैं। कनिष्का नेहा के साथ चली तो जाती है, पर उसे बहुत अजीब महसूस होने लगता है, मानो कोई सदियों पुराना दुख उसकी आत्मा को याद आ गया हो। ये अचानक मुझे रोने का मन क्यों कर रहा है और ये स्मेल कहाँ से आ रही है? मम्मी, मम्मी लगता है कोई पार्टी में नॉनवेज ले आया है। Are you gone mad, कनिष्का? We all know कि तुम्हारी फैमिली वेजिटेरियन है। तो ये सड़ी हुई मछलियों का गंध कहाँ से आ रहा है, क्या मजाक है ये? ये कहकर कनिष्का जोर जोर से चीखने लग जाती है। कनिष्का की आवाज सुनकर गौतम वहां आता है। ड्रामा मत करो कनिष्का, बस इसी कारण से ही मैं पार्टी वार्टी पसंद नहीं करता, चलो जाओ जाओ अपने कमरे में। सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके बाद कनिष्का का बिहेवियर और भी खराब होता जाता है। रात को 3 बजे अचानक उठकर कनिष्का दीवारों से बातें करने लगती है। उसकी आवाज सुनकर रीना भागते हुए आती है। अरे बेटा, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और दीवार को देखकर किससे बात कर रही हो? लाड़ो, कोई नहीं है यहाँ। रीना कनिष्का को सीने से लगा लेती है। कनिष्का का शरीर बहुत गर्म था, रीना ये देखकर सोच में पड़ जाती है। आज तक मेरी बच्ची ने कभी ऐसा बिहेव नहीं किया, आज क्या हो गया है इसे? शाम तक तो बिल्कुल ठीक थी और अब अचानक इतना तेज बुखार, ये सब क्या हो रहा है? रीना भागकर थर्मोमीटर लाती है और कनिष्का का टेम्परेचर चेक करती है, पर उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल था। ऐसा कैसे हो सकता है, ये सब क्या हो रहा है, अचानक मेरी बेटी को किसकी नजर लग गई? रीना अपनी बेटी के साथ ही सो जाती है और अगली सुबह डॉक्टर को बुलाती है, पर डॉक्टर के टेस्ट के बाद भी सब कुछ नॉर्मल ही निकलता है। अब ये क्या नया लफड़ा आ गया है, एक और नया खर्चा। ये क्या कह रहे हैं आप,
जब तक कनिष्का टॉपर थी तब तक आपकी बेटी थी, और आज बेचारी बच्ची तकलीफ में है तो ये सब कहने लगे आप। रीना और गौतम में बहस हो जाती है। गुस्से में गौतम घर से बाहर निकलता है, जहां उसे पता चलता है कि मिस्टर शाह अब नहीं रहे। वो घर आकर कनिष्का के पास बैठी रीना को इस बात की खबर देते हैं, जिसे सुनते ही अब तक सोई कनिष्का अचानक मुस्कुराने लगती है और भागती हुई अपनी अलमारी खोलती है और सारे सामान को बाहर बिखेर देती है। क्या ढूंढ रही है बेटा, मुझे बता लाडो। इतने में कनिष्का के हाथ कैंची लग जाती है, जिसे लेकर वो अपने सर के सारे बाल काटने लगती है। मिल गया मम्मा, मिल गया। ये क्या किया तूने? अरे क्या हुआ है लाडो तुझे? मुझे पता, तूने कल से कुछ खाया भी नहीं। कुछ खा ले बेटा, कमजोर हो जाएगी। पेट भर गया है, कितनी उल्टियां भी की मैंने, पूरे के पूरे शाह को खाकर बैठा हूँ मैं। खाकर बैठा हूँ? ये सब क्या कह रही है तू? बाथरूम में जाकर देख ले। रीना बाथरूम में जाती है, जहां बेसिन में नीले रंग की उल्टी थी, जिसमें मांस के टुकड़े थे, जिसे देखकर रीना को भी उल्टी आने लगती है। वो भागकर वापस कनिष्का के कमरे में आती है। सुनिए जी, हमें जल्द से जल्द कनिष्का को किसी पंडित जी के पास ले जाना होगा, ये कुछ और ही है। आज के जमाने की होकर तुम ये सब क्या कह रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता। गौतम अपनी पत्नी की बात को इग्नोर कर देता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं। भूखी रहने के कारण अब कनिष्का के शरीर की हड्डियां भी दिखने लगती हैं। उसकी आंखों के नीचे काले गड्ढे आ चुके थे। अब मैं किसी के नहीं सुनूंगी, बहुत हुआ। रीना अपनी जान पहचान के एक पंडित जी को अपने घर पर लेकर आती है, जो कनिष्का की हालत देखकर ही समझ जाते हैं। बच्ची की हालत बहुत खराब है, इसे मैं नहीं संभाल पाऊंगा, ये मेरे गुरु जी ही कर सकते हैं, जो कुछ ही दिन पहले साधना के लिए हिमालय जा चुके हैं। रीना हर तरफ हाथ पैर मारती है कि कहीं कोई रास्ता दिख जाए। फिर उसे घोस्ट कैचर के बारे में पता चलता है। डूबते को तिनकी का सहारा समझ रीना उनकी टीम को भी अपने घर पर बुला लेती है, और वो लोग कनिष्का से पूछताछ शुरू कर देते हैं। क्या आए हो तुम और कौन हो? कितनों के नाम बताओ? मतलब तुम एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो इस लड़की के शरीर में। बताओ बताओ कितने हो? हम 42 प्रेत हैं। कनिष्का की बात सुन वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। उसके शरीर में बसे इन प्रेतों को निकालना अब किसी के बस में नहीं रह गया था। उसी शाम कनिष्का की मृत्यु हो जाती है, जिसका सदमा रीना बर्दाश्त नहीं कर पाती और सब कुछ छोड़ अपनी बेटी के साथ हुए इस हादसे के पीछे की वजह का पता लगाने निकल पड़ती है।